हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज फास्ट से APL का जो मैच होने वाला है अफगानिस्तान T20 लीग का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको टॉस के बाद जो टीम होता था हम टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करें ताकि आपको टॉस के बाद टीम होता है। पहले आप टेलीग्राम पर जाइए, फिर सर्च करिए @DREAM11, उसके बाद हमारा लोगो दिया आपको, लोगो देकर आप हमारा चैनल पर ज्वाइन हो जाए और हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हर मैच का 6 टीम चाहिए तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम भी ले सकते हैं, जिसमें हम हर मैच का 6 टीम देते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन है कि कम से कम ड्रीम इलेवन में आपको 1000 बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ही एक दूसरे रुपया देकर खुद ही खेल सकते हैं, मंथली प्राइम लेने से कोई फायदा नहीं। और अभी अक्टूबर मंथ का मतलब 10 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसीलिए जो फीस था 1000 उसको हमने अभी फीस कम कर दिया, अभी हमने सिर्फ 800 कर दिया। तो दोस्तों अभी अगर आपको हम इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो फिर आप हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, लिंक के थ्रू आपका डाउट क्लियर कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। और दोस्तों, अभी हम ड्रीम इलेवन चलते हैं, डिस्कस शुरू कर देते हैं ताकि आप लोगों को टीम क्रिएट करने में ईजी हो जाए। तो दोस्तों, अभी आप ड्रीम इलेवन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ चुके हैं। तो देखिए, ये जो मैच है, जो APL मैच है, तो बहुत रिस्की हो रहा है क्योंकि किसी मैच में प्लेइंग इलेवन आ रहा है, किसी मैच में नहीं आ रहा है। लेकिन फर्स्ट मैच का ज़्यादातर प्लेइंग इलेवन ठीक टाइम मतलब सही टाइम पे आ रहा है, लेकिन जो सेकंड मैच हो रहा है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ये कर देते कि देखिए, आप जब भी टीम बनाएंगे तो कम से कम 3-3 करके टीम बनाना, क्योंकि कोई भी किस मैच में जीतेगा कोई रेट भी कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम हर मिनट में बोलते हैं कौन जीतेगा नहीं, क्योंकि इस मैच में हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन जाजाई का मतलब AK काबुल का जो टीम है उसका ज़्यादातर मतलब वो ज़्यादा अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उसी के हिसाब से टीम बनाना। लेकिन ज़्यादातर 3-3 करके टीम बनाना तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, अब विकेट के बारे में से देखिए, इकराम अली खेल पिछले मैच में नहीं खेला था, लेकिन आप अगर खेलते हैं तो फिर ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। बहुत बढ़िया बैट्समैन है और अफगानिस्तान इंटरनेशनल के लिए भी खेल चुके हैं। और M सरदार को ट्राई कर सकते हो, ये बहुत लेट में बैटिंग कर रहा है लेकिन पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि इसको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है इसलिए पॉइंट दे रहा है। और इकराम खिल को बैटिंग करने का मौका ठीक मिला लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पाया, इसलिए इसको पिछले मैच में ड्रॉप किया गया। अगर खेलता है इस मैच में तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और दोस्तों, बैट्समैन में से आप रहमत साहब मेरे को लग रहा है अभी यूजलेस हो रहा है, क्योंकि लेकिन स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन लगे, लेकिन आप ग्रैंड लीग में इसको ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ना ही बॉलिंग कर रहा है ना ही बैटिंग, तो बहुत नीचे मतलब 3-4-5 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है और बैटिंग में उतना कुछ धार नहीं दिख रहा है। तो आप इसको ग्रैंड लीग में 2-3 टीम में ड्रॉप कर सकते हो और स्मॉल लीग में रख के एक दो ग्रैंड टीम में कैप्टन रख के आप छोड़ सकते हो, क्योंकि देखिए 74% लोगों ने जस्ट नाम से ही इनको सिलेक्ट करके रखा है लेकिन इसका काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। असगर अफगान को आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना और कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ऑन डाउन बैटिंग करने आएगा और एक दो ओवर पिछले जो मैच हुआ उसमें एक दो ओवर बॉलिंग किया और एक विकेट भी चटकाया, तो आप इसको उसी के हिसाब से आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो और बहुत बढ़िया फॉर्म भी, फास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला था। हजरतुल जाजा उतना कुछ खास नहीं कर पाया लेकिन आप ग्रैंड लीग में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। और उस्मान घानी को आप ट्राई कर सकते हो, उस्मान घानी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो लेकिन ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और इब्राहिम जादरा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अभी यंग टैलेंटेड बैट्समैन है और हर मैच पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देगा और पॉइंट दे रहा है। आप इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत बढ़िया बैट्समैन है। और लेकिन आप ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बाई चांस किसी भी मैच में कोई भी प्लेयर फ्लॉप जा सकता है, कितना भी बड़ा हो लेकिन फ्लॉप तो कोई ना कोई फ्लॉप जाता है। तो भी मतलब अगर बाई चांस वो रन आउट हो गया तो फिर ये देखिए आप कितना लोगों ने इसको सिलेक्ट करा, 89% लोगों ने इसको सिलेक्ट करके अगर बाई चांस फ्लॉप चले तो आप इजीली ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। और यहाँ पर यूनुस अहमद जाई को ट्राई कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आया, पिछले मैच में उतना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर यहाँ पर ऊपर का टॉप ऑर्डर किसी को ड्रॉप करें तो फिर यूनुस अहमद जाई को ट्राई कर सकते हो जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएगा। और मुनीर अहमद का अगर टॉप ऑर्डर किसी एक को ड्रॉप करे तो मुनीर अहमद को ट्राई करना जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने, और F जजाई जो ऑन डाउन बैटिंग करने पिछले मैच में 0 पे आउट हो के लिए बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आप इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। ये बहुत बड़े पिछले मैच में 0 पे आउट हो, उससे पहले बहुत अच्छा मतलब बैटिंग किया था लेकिन वो ड्रीम इलेवन में तब ऐड नहीं था इसलिए इसका पॉइंट शो नहीं करा। लेकिन F जजाई को आप जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में, कम से कम 2-3 टीम में ट्राई करना, आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है।
और दोस्तों ऐसे ही और कोई मतलब न्यू आकर कोई आपको एंट्री मारता है, मतलब जब न्यू कोई आकर एंट्री प्लेयर कोई एंट्री मारता है, तो आप ग्रैंड लीग में जरूर एक दो उसको ट्राई करना एक दो टीम में, क्योंकि न्यू प्लेयर अगर कोई आपको चल जाए तो फिर आप ग्रैंड लीग इजीली जीत सकते हो। अब ऑलराउंडर में सेनवारी उतना कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट एक दो ओवर बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग में उतना कुछ खास, लेकिन आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में एक दो टीम में आप ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पर मिरोज अशरफ भी सेम बॉलिंग नहीं कर रहा है, अब बैटिंग से हिसाब से आप, लेकिन मिड बैटिंग में भी बहुत लेट में बैटिंग करने आ रहा है, तो अब मिरोज अशरफ को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। और ऑलराउंडर पे आप करीम जन्नत को स्मॉल लीग, दोनों में सेफ ऑप्शन है, और ग्रैंड लीग मतलब स्मॉल लीग में कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब सेफ ऑप्शन है, आप इसको स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस, लेकिन ग्रैंड लीग में कम से कम दो तीन में कैप्टन, क्योंकि ओपन करने आएगा, फिर ओपन करने आएगा और फिर चार ओवर बॉलिंग भी करेगा, मतलब ये बेस्ट मतलब मस्ट है स्मॉल लीग खेलने, दोनों में कैप्टन वाइस कैप्टन मस्ट है। और यहाँ पर जेस आरएफी को आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में ट्राई करना, क्योंकि पिछले मैच में फिर एक मैच ही खेला है और एक मैच में दो तीन विकेट चटकाया, तो आप इसको ग्रैंड लीग में तो ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई करना अगर खेलता है तो। फिर और बॉलर में सपूर जादर ने उतना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसका जो क्रेडिट देखा ड्रीम इलेवन ने कितना क्रेडिट रखा है, लेकिन आप उतना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। चतारा को आप स्मॉल लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है, लेकिन क्रेडिट का थोड़ा सा इशू हो सकते हैं, तो आप ग्रैंड लीग में इसको एक दो टीम में ड्रॉप करना, लेकिन स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा। आमिर हमजा को स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत बढ़िया बॉलर है और एक दो विकेट चटका रहा है हर मैच में। डब्ल्यू सलीम खली को वकार सलीम खली को आप ट्राई कर सकते हो, और इसमें स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है और हर मैच में एक दो विकेट चटका रहा है, बहुत कंसिस्टेंसी बॉलर है, जैसे पिछले जो एपीएल का जो अफगानिस्तान प्रीमियर लीग था उसमें भी बहुत कंसिस्टेंट, जिस मैच में इसको खिलाएगा उस मैच में ही विकेट चटका है, तो आप इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत बढ़िया। और जैसे ऐसे आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, अगर बाई चांस तीन चार विकेट ले लिया तो आपको कैप्टन का भी पॉइंट दे सकता है। और आप एक और बॉलर है ये आर बाराक जाई को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में बहुत रिस्की होगा, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इसको ट्राई कर सकते हो, और ऊपर मतलब फास्ट में बॉलिंग करने आएगा तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। और यहाँ पर इब्राहिम को ट्राई करना जो लास्ट में है, इब्राहिम को ट्राई करना, स्मॉल लीग ग्रैंड दोनों में सेफ ऑप्शन है, और हर एक दो मैच में दो मैच में अच्छा मतलब पहले मैच इसको ऐड नहीं था, लेकिन दो मैच में जो दो पहला जो दो मैच था दोनों में दो दो करके विकेट लिया था, लेकिन पिछले मैच में जो उतना मतलब विकेट नहीं, लेकिन गलती कहाँ हुआ कि उनको जब फास्ट जो 10 ओवर था उनमें ही उनको 4 ओवर बॉलिंग किया गया था, इसीलिए शायद विकेट नहीं मिला, तो आप उसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। और दोस्तों अभी जो डिस्कस है हम कर, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दे के देखिए, आप टीम कॉम्बिनेशन कम से कम 3-3 करके बनाना, और लेकिन ज़्यादातर आप अगर सोचोगे तो जो आप काबुल का टीम है काबुल को फेवर करके टीम बना सकते हो, तो कम से कम काबुल को 4 में जा सकते हो, लेकिन 2 में कम से कम आप जो एस का टीम है जो सापुर जादरन जिसका कैप्टन है उनको फेवर करके भी आप टीम बना सकते हो, रहमत शाह जो मतलब सापुर जादरन जो कैप्टन है इनको भी फेवर दो में टीम बनाना, और कैप्टन वाइस कैप्टन जो उसका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जैसे रहमत शाह का कोई काम नहीं है, आप यहाँ पर घानी है और इब्राहिम जादरान है, यही दो तीन प्लेयर है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन रहमत शाह को आप अगर आपको लगता है टॉप ऑर्डर फ्लॉप जगह तो रहमत शाह का कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो उन दो फेवर टीम में से, लेकिन 4 आप कम से कम जाएगा मतलब काबुल का जो टीम है उनमें 4 फेवर करके टीम बनाना, तो अगर काबुल जीतेगा तो आपके 4 में से एक ऊपर जा सकता है, टॉप 10 में भी आ सकता है और टॉप 100 में भी आ गया तो फिर आपका अच्छा खासा अमाउंट विन होगा। तो दोस्तों अभी ये वीडियो हम खत्म करते हैं, और अभी जो नेक्स्ट मैच आएगा उसका भी हम वीडियो आप लोगों को डालेंगे, तो उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको टॉस के बाद जो न्यूज़ होता है और टीम होता है तो हम वहाँ पर ही डालते हैं, ताकि आपको टॉस के बाद टीम मिले। और हमारा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाला जो आपको वीडियो है ऐसे ही आप लोगों को टिप्स मिलता रहे, और ताकि आने वाला जो आपको वीडियो है वो मिले, और हम लोग जैसे हर वीडियो में आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि देखिए दोस्तों अगर ड्रीम इलेवन पर आपको कुछ करना है तो फिर पॉजिटिव रहिए, तभी आप ड्रीम इलेवन पे कुछ कर सकते हैं, अगर आप ड्रीम इलेवन पे कुछ भी करना चाहते तो आप पॉजिटिव रहिए और फ्रॉड लोगों से बच कर रहिए, जैसे जो आप लोगों को बोलते हैं 100% विन करेगा ये करेगा उन लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि ये फैंटेसी गेम है, क्रिकेट का मैच है, आप कोई भी बंदा आपको गारंटी नहीं देख सकते, और जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज है, जो क्रिकेट के बारे में जानता है, जो मतलब ड्रीम इलेवन के बहुत नॉलेज है, वही आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपको ऐसा बंदा नहीं जो मतलब थर्ड मैच में आपको जीता है, कोई जीता नहीं सकता, तो उन लोगों से जो 100% आपको जीताएगा ऐसा बोलेगा उन लोगों से बच के रहे, वो लोग चीटर होता है, क्योंकि 100% आप कभी भी किसी भी मैच में आप नहीं जीत सकते।
एक मैच में हारेंगे तो दूसरे मैच में जीतेंगे जीतेंगे, ऐसा ही होता है फैंटेसी गेम में। जब किसी भी बड़े बड़े प्लेयर को आप उनका मतलब उनको उनसे जाके अगर आपको ये मिलता है तो उनसे बात कर लेना, तो वही ऐसे यही बोलेगा, क्योंकि भाई ये फैंटेसी गेम में एक आपने अगर देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े प्लेयर होगा वो एक मैच में हारते, तो मतलब अगर आपसे कोई कांटेक्ट हुआ तो बात करके देख लेना, तो ऐसे ही होगा। क्योंकि हम देखिए हम एक मैच में 20-30 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि एक मैच में हार जाते हैं तो दूसरे मैच में मतलब जीते हो, तो वो जो लॉस होता है मतलब देखिए 20-30-40 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं उनमें से कम से कम 50% तो रिटर्न आता है, लेकिन जब 20-30 हज़ार एक किसी मैच में पूरा के पूरा ही निकल जाता है, तो जब जो नेक्स्ट मैच में जीतते हैं तो उसमें पूरा पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम हारते हैं तो भी मतलब हारते हैं नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फैंटेसी गेम है, हर मैच हम नहीं जीतेंगे, हर मैच हम हारेंगे भी नहीं। तो दोस्तों ये आप लोगों को पहले अपना माइंड सेट ठीक कर लीजिए कि हाँ हम जीतेंगे, अपना पॉजिटिव, तभी आप ग्रैंड लीग या स्मॉल ड्रीम इलेवन पर प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों अभी यह वीडियो खत्म करते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।